अगर आप 2023 में अमरनाथ यात्रा करने वाले हो, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ऑलरेडी अमरनाथ यात्रा एपिसोड 1 और 2 शेयर कर चुकी हूँ कि जम्मू एंड पहलगाम कैसे पहुँचना है, वहाँ पे रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था है, यात्रा परमिट कार्ड कैसे बनेगा, बस की टिकट कहाँ से मिलेगी। सो वो सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा। गो एंड वॉच देन स्टार्ट द वीडियो। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। दिस इज आर day 3 एंड नाउ आई एम इन पहलगाम। सुबह के 3:30 हो रहे हैं और अभी निकल रही हूँ पैदल यात्रा करने के लिए। लाइन लग चुकी है 3 बजे से, ऑलरेडी लेट हूँ। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद यात्रा के लिए लाइन में लगने जा रहे थे, तभी यह अनाउंसमेंट हो गई। निवेदन किया जाता है कि आगे कैंप्स में थोड़ा सा सुरक्षित मौसम खराब है, इसलिए जब तक सूचित नहीं किया जाता तब तक लाइनों में मत लगे, अपने अपने टेंटों में बैठिए। आगे का वेदर खराब है, इसकी वजह से फिलहाल के लिए यात्रा रोक दी गई है। तो देखते हैं कि कितने देर के बाद यात्रा स्टार्ट होती है, मौसम कब सही होता है। सो गाइस, सुबह सुबह कॉफी पी रही हूँ, लंगर के साथ में पोहा और ढोकला भी मैंने एंजॉय किया और वेट करने लग गई यात्रा के ओपन होने की। सो गाइस, आफ्टर 1 से 1.5 घंटे के बाद अब यात्रा खोल दी गई है, अभी अनाउंसमेंट हो रही है, तो अभी लाइन में जा रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी पहलगाम से निकल रहे हैं। मौसम सही रहे एंड हमारी यात्रा सफल हो, हर हर महादेव, आगे मिलते हैं। बाहर रोड पे अभी आई हूँ, देखो ये सब गाड़ियाँ हैं जो जाती है चंदनबारी तक। यहाँ से चंदनबारी तक आप गाड़ी से जाओगे, फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है। सो अभी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से ये नदी है, तो यहाँ पे मैं बस आ गई थी एंड अब जल्दी से निकलते हैं। ऑलरेडी लेट हो चुका है, 8 बजने वाला है। सुबह चंदनबारी जाने के लिए यहाँ इस मार्शल में बोलेरो में बैठ चुकी हूँ। पहलगाम से चंदनबारी की डिस्टेंस 15 से 16 किलोमीटर की है, लगभग आपको आधा घंटा लग जाता है चंदनबारी पहुंचने में। एंड ये रास्ते देख रहे, इसके जो घर बने हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऑलमोस्ट वो लकड़ी के बने हुए थे। स्टार्टिंग करते सर्विस के वास्ते से भाई चंदनबारी, दोनों प्रसाद, हमारे जो प्रसाद सबको देता हुआ चल रहा है ये। हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, चंदनबारी के लिए निकल चुके हैं गाइस। और यहाँ से भैया आप कितना चार्ज कर रहे हो पर हेड? पर हेड आप कितना चार्ज कर रहे हैं? 160 रुपए। 160 गवर्नमेंट का पर पर्सन चार्ज है। सो गाइस, आगे मिलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कश्मीर के इन खूबसूरत नजारों के बीच गुजरते हुए सच में बहुत ही सुकून मिल रहा था। सो गाइस, चंदनबारी पहुंच चुके हैं। चंदनबारी में भी काफी लंबी लाइन लगी हुई है और यहां से आफ्टर चेकिंग आगे छोड़ा जाएगा। अगर आपका यात्रा परमिट कार्ड गुम हो गया है तो आप यहां पर बनवा सकते हैं। यहाँ से आप आगे की यात्रा जैसे पिसू टॉप, शेषनाग, पंचतरणी के लिए घोड़े खच्चर हायर कर सकते हो। अलग अलग पर आपका अलग अलग प्राइस है, बट मैं आपको बोलूंगी अगर आप सक्षम हो पैदल चलने में तो पैदल ही यात्रा करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड जहाँ से आपको लगे कि अब आप थक गए हो, नहीं चल पाओगे, तो वहाँ से आप घोड़े हायर कर सकते हो। पूरे रास्ते में आपको इजीली घोड़े मिलेंगे एंड आगे से जब आप घोड़ा लोगे तो कम पैसे में ही इजीली मिल जाएंगे। एंड चंदनबारी में भी खाने पीने के लिए बहुत सारे लंगर हैं, तो यहाँ पर आपका कुछ खाना है तो खा लो और हर हर महादेव का नाम लेकर यहाँ से पैदल यात्रा शुरू कर दो। सो मैंने भी पैदल यात्रा आगे के लिए स्टार्ट कर दी थी शेषनाग के लिए, जो यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। एंड वहाँ पहुँचने में लगभग 8 घंटे तो लगेंगे, बट देखते हैं कि मैं अपने स्पीड के अकॉर्डिंग कब तक वहाँ पर पहुँच पाती हूँ। और ये देखो, जो भैया गाड़ी में मेरे चैनल पर ब्लॉगिंग कर रहे थे वो मस्त घोड़े पे जाते हुए मुझे दिखे। बट गाइस प्लीज, आप पैदल जाना,
यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है पिसू टॉप, जो पहला पड़ाव है इस रास्ते का। बट चढ़ाई काफी कठिन है, 3 किलोमीटर की बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है। सूरज अभी पिसू टॉप के एरिया में पहुंचने वाले हैं, पहुंचे ही हूँ अभी। हाइट और जो मेन पिसू टॉप है बहुत ऊपर में है, चढ़ाई अभी से ही बहुत हार्ड लग रही है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, सीढ़ियां है यहाँ पे। सुनो जमा दो देखो आप पहाड़ों में किस तरह से रास्ता बना हुआ है। नीचे से लोग ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं एंड ऐसे ऐसे होते हुए बिल्कुल ऊपर की ओर छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, तो वो सब जाने का रास्ता है। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम भोले। अगर आप चलते चलते थक जाओ तो 2 मिनट के लिए खड़े रहो एंड ब्रीथ करो, पर प्लीज जल्दी जल्दी बैठना नहीं, क्योंकि बैठने से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है एंड दोबारा से ट्रैक करना आपको बहुत ही हार्ड फील होगा। और अभी मैंने 3 किलोमीटर का यात्रा कंप्लीट करके पहुंच चुकी हूँ पिसू टॉप के लंगर में। एंड इसकी सजावट देखो कितनी खूबसूरती के साथ इतने ऊंचे पहाड़ों पे कर रखा है इन लोगों ने। अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको अपने साथ खाना वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पूरे रास्ते में आपको लंगर इजीली मिल जाता है। गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल कश्मीर, ओएमजी व्हाट अ ब्यूटी। सो गाइज अभी पिसू टॉप से आगे बढ़े हैं, यहाँ से 8 या 10 किलोमीटर आगे शेषनाग, तो वहीं पे स्टॉप है। ऊपर की चढ़ाई थोड़ा ठीक है, नीचे की तो बहुत टफ की खड़ी चढ़ाई थी, बट ये रोड टैप का थोड़ा है। अभी 2 बजे के बाद इधर की शायद यात्रा बंद कर दी जाती है, तो कोशिश करेंगे आप 2 बजे तक पिसू टॉप पहुंच जाए तो आप आगे की यात्रा कर पाए। एंड पीछे देखो कितना खूबसूरत वाटरफॉल है, लुक एट दिस ब्यूटी ऑफ कश्मीर। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हो तो घोड़े की जगह हेलीकॉप्टर बेस्ट ऑप्शन है। अब देखो कैसे है भाई साहब, आप साइड में बैठो। कोयला की धुएं से वो ऐसे ऊपर, इसको कहवा बोलते हैं ना। क्या बात है, इसमें क्या क्या होता है भैया? क्या सर, अच्छा सारे गरम मसाले वगैरह? थोड़ा आगे रखना, आगे आगे, दूध के बगैर सब कुछ चलता है इसमें। कैसे चाय है? कितने का है भैया? कितने का है भैया? So guys, this is a कश्मीरी कहवा। आप कहाँ से भैया? मैं रांची, झारखंड। रांची से हो? पहली बार यहाँ आ रहे हो? कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा है ना, मैं भी आ रही हूँ पहली बार। तो लग रहा था पहले, महादेव सबको पार लगाते हैं। आप अंकल कहाँ से हो? राजगीर। हम नालंदा से हैं। आप लोग पहली बार आए हो? कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? शादी हुई अभी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चढ़ाई फील हुआ था ना, नीचे थोड़ा सा था। इधर सुन रहे हैं कि अच्छा, वैसे भी बिहारी लोग एक बिहारी सौ पे भारी। चलो साथ चलेंगे हम लोग। किलोमीटर जाना है। बोलो हर हर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बर्फानी की जय। आप इस तरह का पालकी भी ले सकते हो, बट अगर आप चलने में सक्षम नहीं हो तभी इन सब चीजों से यात्रा करना गाइस। टॉप से ऊपर की ओर चलते हुए आई थिंक 1.5 किलोमीटर तक चले होंगे अभी। एंड अभी यहाँ से शेषनाग है 7 किलोमीटर। दोपहर के अभी 3 बजने वाले हैं, 10 बजे से चंदनबाड़ी से ट्रैक स्टार्ट किया था, तो देखते हैं कब तक शेषनाग पहुँचते हैं। देखो ग्लेशियर है कैसे जमा पड़ा है, देखो ऐसे ऊपर से ग्लेशियर है, उसके नीचे से नदी बह रही है, नीचे से पानी निकल रहा है।
बाय, लवली कैब लगी टू। यहाँ पे थोड़ी देर बैठने रेस्ट के लिए, तो बस 2 मिनट, ज्यादा देर बैठने का नहीं तो आपकी पूरी एनर्जी यहीं बैठ जाएगी आपके साथ। बस थोड़ा थोड़ा रेस्ट लो और फिर कंटिन्यू ट्रैकिंग करो। चार किलोमीटर की ट्रैकिंग और है शेषनाग पहुँचने के लिए। नीचे जब सीढ़ियाँ थी तब तो 1 घंटे में बस 1 किलोमीटर चल पा रहे थे। अभी रास्ता सही हुआ है तो थोड़ा स्पीड में बढ़ोतरी हुई है। और लाल टोपी वाले एक्सपीरियंस बताओ, एनर्जी है कि खत्म? जब मैं ऊपर चढ़ती हूँ ना तो एनर्जी ऐसे जाती लगती है अब खत्म, जब जैसे ही ऊपर से ऐसे जाती हूँ वापस एनर्जी आना स्टार्ट हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। जब आप पहाड़, नदी, झरने, घाटी, हरियाली, बर्फ के बीचों बीच होते हुए पैदल यात्रा करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि आप सच में जन्नत स्वर्ग के रास्ते होते हुए आप महादेव से मिलने जा रहे हो। एंड हमारा कश्मीर तो ऐसे भी स्वर्ग है। ये कपूर है जो हम लोग पूजा में आरती में यूज करते हैं और ये सांस हमारे फूलते हैं तब इसको इस तरह से बहुत अच्छा फील होता है, ब्रीदिंग पावर ठीक रहता है। अभी पहुंच चुकी हूं पिसू टॉप के बाद का आई थिंक अगला पड़ाव है। या गाइस यहां से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग और रह गई है शेषनाग के लिए और यहां पे पड़ाव सा है, यहां पे लंगर वगैरह खाने पीने की चीजें, साथ ही वॉशरूम वगैरह बना हुआ है। वॉशरूम के हालात बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है बट इन पहाड़ों में वही मिल रहा है काफी है। इसका नाम है जॉर्जीपल। गाइस यह जगह जो है वो है जॉर्जीपल बेस कैंप, अभी यहाँ के जो भैया है उन्होंने बताया। और मौसम शायद खराब हो रही है, यहाँ पे जो फोर्स है वो बोल रहे हैं कि जल्दी जाओ नहीं तो मौसम खराब हो गया तो आगे बंद कर दिया जाएगा, तो जल्दी चलते हैं। कहाँ से आए हो? पंजाब। पहली बार आ रहे हो? तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा जब हर साल आते हो तो। मेरा फर्स्ट टाइम है तो बहुत ज्यादा वो एक्साइटमेंट है। आप कहाँ से आए हो? क्या नाम है आपका? फर्स्ट टाइम? अच्छा। बाबा हर साल ऑर्डर देते हैं क्या ना है, मैं भी कोशिश करूंगी कि हर साल आऊँ। ठीक है, मुझे सब लाइक सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को? लवली ट्रैवलर। अभी तक कुछ नहीं देखा भैया, त्रिशूल ऐसे दिखाना। आप लोग डंडे की जगह वही लेके आ रहे हो? वाह, कहाँ से आए आप लोग? चंडीगढ़ से। फर्स्ट टाइम? नहीं नहीं, हम नौवीं बार आए। बाप रे, तब तो मतलब बाबा हर साल बुलाते हैं आप लोग, हर साल आ रहे हो वहाँ पर, त्रिशूल भी आपको हमारे नजर आएंगे। जय हो, बम बम बोले, ओम नमः शिवाय। इस तरह से लंगर चल रहा होता है जहाँ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी रुपया नहीं लिए जाते हैं एंड आपको हर तरह के खाने की वैरायटी है कि आप उतना खा भी नहीं पाओगे। कोई ऐसा खाना जो यहाँ नहीं मिलता, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे खाना हो, खिचड़ी हो, डोसा हो, एवरीथिंग, चॉकलेट, बर्फी, बिस्किट, मिठाई सब चीज बांट रहे होते हैं। तो आई मीन इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना दिन तक सेवा देते हैं हम लोगों का। मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, यात्रा के दौरान अच्छे ग्रिप वाले शूज इस्तेमाल करें क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा फिसलन होती है। अभी आई थिंक नागा कोटी पड़ाव पहुंचे हैं और शेषनाग यहाँ से अभी भी काफी आगे है और इस बोर्ड पर काफी खूबसूरत सेंटेंस लिखा हुआ है, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज लाइक अ स्वीट सॉन्ग दैट लिंगर्स इन योर हार्ट फॉर लाइफ लॉन्ग। कश्मीर की खूबसूरती एक स्वीट सॉन्ग की तरह है जिसकी ध्वनि आपके दिल में हमेशा के लिए रह जाती है। ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया था, 6 बज चुके हैं शाम के एंड अभी भी 2.5 से 3 किलोमीटर अभी भी बाकी है ऐसा लोग बोल रहे हैं। हर जगह बोर्ड लगा होता है 3 किलोमीटर, आगे जाते हैं तो फिर से 3 किलोमीटर रहता है, तो एक्चुअली पता नहीं चलता है कितने किलोमीटर है एंड अभी भी खड़ी चढ़ाई है।
मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। इतने देर से ट्रैक कर रही थी, ठंड नहीं लग रहा था, बट अब ठंड लग रही है जैसे सुपर चढ़ रहे हैं। तो आप अपने साथ जैकेट, स्वेटर, कैप जरूर कैरी करें। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस। थोड़ी देर चलने के बाद देखो कितना खूबसूरत नजारा है। देखो दिस इज अ जन्नत, दिस इज आवर कश्मीर। ऊपर में बादल, आसमान, नीचे में नदी, ये बहता हुआ ये झरना, दैट्स व्हाई कश्मीर इज कॉल्ड जन्नत। ऑलरेडी अब 23 लाख पहुँचने वाले हैं। थोड़ी सी चढ़ाई है, थोड़ी सी तो नहीं, फिर भी पहाड़ों का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा होता है। अगर भी एक घंटा और लगे तो चढ़ाई काफ़ी टफ है, बट बाबा हर किसी को पार ले जाते हैं। तो आप भी आओगे तो महादेव आप सभी को अपने पास जरूर पार लगाएंगे। लिखा है शेषनाग 3 किलोमीटर है। आज बस पहुंचने वाले हैं, बट फिर भी अभी लोग बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर है। सामने में टेंट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी खड़ी चढ़ाई है। पता नहीं एक घंटे कितना टाइम लगेगा। अभी अभी सनसेट होने वाला था एंड सूरज की जो किरणें है इस बर्फ की चोटी पे डायरेक्ट लग रही थी एंड बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। यह है शेषनाग झील। बोला जाता है कि शंकर भगवान ने शेषनाग को यहीं पर छोड़ा था एंड बहुत सारे लोगों को शेषनाग या उनकी परछाई भी यहाँ पे दिख जाती है। साथ ही जितना खूबसूरत यह झील आपको वीडियो में नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा जब आप सामने से देखोगे तब आपको महसूस होगा। और यहाँ पर मैं फोटोज क्लिक करवा रही थी, सो आप मेरे ट्रेवल रिलेटेड फोटोज एंड रील्स मेरे इंस्टा एंड फेसबुक लवली ट्रेवलर 78 आईडी पर देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इधर पानी है, पूरा ग्लेशियर बर्फ जमा रखा है। देखो पूरा यहाँ से ये पूरा ऊपर हाइट तक। गाइज रात के 7:50 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट रात के 8 बजने वाले हैं एंड अभी भी देखो यहाँ कितनी रोशनी है। इतना अभी उजाला है कि आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, आप इस नेचुरल सनलाइट में ही आप आराम से ट्रैकिंग कर पाओगे। एंड अभी भी 1 किलोमीटर है से इसने का बस चेकिंग पोस्ट आने वाला है, लेकिन बहुत कठिन चढ़ाई है अभी भी। देखो हमारी इंडियन आर्मी हमारी किस तरह से मदद करती है, जिन्हें भी चलने में प्रॉब्लम हो रहा होता है तो वो उन्हें मदद करके ऊपर कैंप तक पहुंचाने में हेल्प करती है। सो गाइस यह रहा शेषनाग का चेक पोस्ट, फाइनली आई एम हियर एंड दिस इज शेषनाग। रात के 8 बज रहे हैं, सुबह हम 10 बजे से चलना स्टार्ट किया था, बहुत टाइम लग गया, चढ़ाई भी टफ रही है, बट फाइनली एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। एंड अब कल देखते हैं, चलिए पहले अंदर चेक पोस्ट में आपको अपना जो आईडी कार्ड है वो आपको चेक कराना होगा एंड देन फिर आप अंदर जा पाओगे। शेषनाग बेस कैंप में खाने पीने और रहने की क्या सुविधा है, यहाँ से आगे की यात्रा कैसे शुरू होती है, यहाँ से पंचतरणी या फिर अमरनाथ पवित्र गुफा कैसे पहुंचा जा सकता है, आगे की रास्ता कितना कठिन है, बाबा बर्फानी के दर्शन कब क्या कैसे होता है, वो सब आपको नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हर हर महादेव।